ब्रीड, ये देखिए, तो ये डकलिंग है जो इंडियन रनर ब्रीड है जो हैच हुआ है। जैसा कि आज हैच हुआ है सोनाली ब्रीड का चिक्स, जो सामने हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चिक्स है सोनाली ब्रीड का जो हैच हुआ है। ये बहुत ही उन्नत क्वालिटी का चिक्स है, देखिए। अच्छा, ये डबल एफजी ब्रीड का अंडा लोड है। जी जी, में चेक कीजिएगा, उसमें आपको अंडा दिखेगा। यहाँ डक का अंडा लोड है। अच्छा, हाँ, अलग अलग, मतलब वहाँ पे आपको ब्रीड, जी हाँ, एक मशीन में। आइए हम आपको दिखाते हैं, कुछ चिक्स हैच हो रहा है अभी लाइव, तो आपको वो अनुभव होगा देख करके कि कैसे चिक्स, कैसे वो सेटिंग ट्रे से हैचिंग ट्रे में ट्रांसफर होता है और चिक्स हैच होता है। आप थोड़ा नजदीक आके देखेंगे इधर, अब देखिए इसमें चिक्स हैच हो रहा है। तो मैं ऐसे बता देता हूं कि 100 रुपया मार्जिन एक बतख में उनको जरूर मिलेगा। 200 कैपेसिटी का है जो 36,500 में मिलता है, 300 का है जो 45,000 में मिलता है, 500 का है जो 59,000 में मिलता है, और 1,000 का है जो 88,000 में मिलता है। एटलीस्ट अगर कोई एक बॉक्स भी लेने आएगा जिसमें 50 चूजा रहता है, तो वो भी वो हमसे खरीद सकता है, और जो 5,000 खरीद रहा है वो भी हमसे खरीद सकता है। मधु राव जी के यहाँ कोंगे जयपुर बस्ती कांचे रोड रांची में गरिमा इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म का मशीन लगा है। अब ये बच्चा यहाँ से कलेक्शन होकर के सारा मशीन से, और अब ब्रूडिंग रूम में जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे 93.5% बच्चा निकला है, जो कि बहुत ही, मतलब कि अविश्वसनीय रिजल्ट है। नॉर्मली 80-85% निकलता है, लेकिन यहाँ 93% का हैच हुआ है। तो दीदी, अब इसको हम लोग गुड़ और हल्दी पानी। वीडियो देख रहे सभी भाइयों को मेरा जोहार। हम आए हुए हैं रांची के कांके में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिव्यांश एग्रो। यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे एक हैचिंग इक्विपमेंट्स आप यहाँ खरीद सकते हैं। इसी के साथ वैसे जो किसान जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें मुर्गी पालन हो, बत्तख पालन हो, तो वैसे किसानों के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे आप बत्तख पालन कर लाखों रुपया कमा सकते हैं। आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे डक है, और यहाँ आप देख सकते हैं बटेर भी है। तो यहाँ पे एक हैची होता है जिसमें आपको बटेर, सोनाली मुर्गी और डक यानी बत्तख, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको चूजे मिल जाएंगे, जिसको आप बड़े करके मार्केट में सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं इसके अंदर, और दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ हैचिंग कर अंडे से ये लोग चूजे निकालते हैं, और मिलवाएंगे इनके ओनर से, और जानेंगे कि किस तरह किसान इनके साथ जुड़ के महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। स्वागत है हमारा रांची क्लिप्स चैनल में। धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि पहले दर्शकों को बताइए कि आपका ये जो दिव्यांश एग्रो है, उसका एड्रेस क्या है, रांची में कैसे, किस तरह यहाँ पे पहुँच सकते हैं वो लोग? देखिए, ये दिव्यांश एग्रो हमारा बिल्डिंग जो है वो कांके रोड ब्रह्मचारी नगर चौड़ी बस्ती में है। आप कांके रोड में अगर आते हैं तो गोकुल रेस्टोरेंट से लगभग 200 मीटर आगे लेफ्ट साइड में एक रास्ता घुसता है, वो ब्रह्मचारी नगर है, पिच रोड है वो जी। और आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ अंदर में क्या हमारा प्रोसेस है, किस तरह से हम लोग एग लोडिंग और हैचिंग करते हैं जी। तो ये एंट्री गेट हो गया। हाँ, ये एंट्री गेट में आप देखेंगे कि हमारा फुटबाथ है जी, जो जिसमें हम डिसइंफेक्टेंट डाले रहते हैं, ताकि बाहर से कोई भी डिसइंफेक्टेंट अंदर ना आ सके जी, ठीक है, कोई इन्फेक्शन। तो ऐसे हम डिप करते हैं अपने पैर को, और डिप करने के बाद ही हम अंदर आते हैं। हमारे यहाँ पे 2 फ्लोर का सेटअप है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 प्रोडक्शन एरिया है, जिसमें कि अपना चिक्स रूम, हैचिंग रूम, सेटिंग रूम और लोडिंग रूम है, जो मैं 1x1 आपको दिखाऊंगा। नॉर्मली मैं एक बेसिक चीज बता दूं कि दिव्यांश एग्रो केवल बैकयार्ड पोल्ट्री का काम करता है, बैकयार्ड ब्रीड्स हैच करता है, जैसे सोनाली, डबल एफजी, इंडियन रनर, डकलिंग्स, खाकी कैम्बल बत्तख, उस बटेर, इस तरह का सारा जो बैकयार्ड में किसान जिसको काम कर सके, वो सारा बैकयार्ड ब्रीड्स हम लोग यहाँ पे हैच करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आज हैच हुआ है सोनाली ब्रीड का चिक्स, जो सामने हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चिक्स है सोनाली ब्रीड का जो हैच हुआ है। ये बहुत ही उन्नत क्वालिटी का चिक्स है सोनाली ब्रीड। सर, मतलब इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये क्या देसी
मुर्गी इसको समझा जा सकता है? सर देखिए, बहुत सारा संकर नस्ल लास्ट 3 decades में सारा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का इसको क्रॉस ब्रीड रेडी किया जी, लेकिन देसी से क्लोजली कोई भी ब्रीड्स नहीं हो पाया, जो कि कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन सोनाली ब्रीड एक्चुअली डेवलपमेंट बांग्लादेश का है, जो कि मालदा के थ्रू इंडिया में आया और अभी पैन इंडिया में उससे लोग काम कर रहे हैं, जो कि आप एक आम जनता उस ब्रीड को देख के और देसी को देख के पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा सोनाली है और कौन सा देसी है। तो इसीलिए सोनाली ब्रीड लगभग 3-5% मार्केट शेयर ब्रॉयलर का ले चुका है, इससे इतना फायदा हो रहा है जी। तो एक चीज और जानना चाहेंगे सर, जैसे तो इनकी क्वालिटी में, देसी मुर्गी के क्वालिटी और इसमें क्वालिटी में क्या वो अंतर मिल पाता है हमें? सर देखिए, क्वालिटी का अगर आप बात करेंगे तो इसका डेवलपमेंट ऐसा है कि देसी से जल्दी मीट प्रोडक्शन होता है, और देसी जहाँ 40-45 एक साल में एक फीमेल अंडा देती है, वहाँ ये लगभग 180-200 अंडा देता है जी। तो हर तरफ से देसी से ज्यादा फायदा सोनाली फार्मिंग में है जी। देसी ब्रीड पालने में 6 महीना लग जाता है, सोनाली ब्रीड को रेडी होने में 2.5 महीने से 3 महीने में रेडी हो जाती है। मार्केट में इसका जो रेट है वो भी हाई है? मार्केट में एक्चुअल रेट सोनाली का अगर आप कोई व्यापारी को दे रहे हैं तो 200 रुपया इन एन एवरेज है, प्लस माइनस 20 रुपीज, कभी 180 तो कभी 220 जी जी। तो इसमें ही फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये सब अभी आपके पास हैचिंग हुआ है? हाँ हाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज टोटल 10,000 चिक्स हैच हुआ था, कुछ निकल गया है कुछ जाने वाला है जी जी। जितने भी यहाँ पे बास्केट दिख रहे हैं इसमें सभी में सोनाली है जी जी सर। अभी हम अपने प्रोडक्शन यूनिट के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और ये लॉबी है जहाँ पे अंडा आता है और यहाँ स्टोर होता है और यहीं से ट्रॉली में लोड होता है। एक क्वेश्चन सर कि अंडे की क्वालिटी क्या होती है? क्या कोई भी अंडा आ जाएगा हैचिंग करने के लिए? क्या एक विशेष प्रकार का क्वालिटी होता है जिसको हैचिंग? देखिए, इसमें 2-3 factors है। एक तो हमारा अंडा जो है वो तो फर्टाइल एग होना चाहिए, दूसरा कि फर्टाइल एक बहुत सारा फार्म प्रोड्यूस करता है लेकिन क्या उसके पेरेंट में प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, तो उससे नेक्स्ट जनरेशन का चिक्स डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो ये सारा फैक्टर देख के ही हम लोग वो अंडा लाते हैं और हैचिंग में लगाते हैं जी जी। तो चलिए सर एक बार देखते हैं आपका। तो यहाँ से अब हम आ रहे हैं सेटर रूम में जी। तो ये हमारा सेटर रूम है फर्स्ट फ्लोर का, और ये हमारा सेटर है, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से अंडा लोड है। देखिए, अच्छा, ये डबल FG ब्रीड का अंडा लोड है जी जी। और यहाँ पे 18 दिन तक ये रहता है मशीन में। अच्छा, करीब 18 दिन तक ये अंडा इस मशीन में रहेगा जी। और ये ऑटो टर्निंग होते रहता है जी, क्योंकि एम्ब्रियो सेल पे किसी साइड में स्टिक ना हो जाए, चिपक ना जाए, इसीलिए इसका रोटेशन एवरी 24 hours में ये 90 degrees घूम के 45 degrees के एंगल में चला जाता है जी। तो जिससे वो सेल पे एम्ब्रॉयर चिपक ना जाए। इसके बाद का प्रोसेस सर? इसके बाद तो सेटर रूम में 18 दिन के बाद हम लोग कैंडलिंग करते हैं। कैंडलिंग में हम ये देखते हैं कि मेरा कितना अंडा जो है वो फर्टाइल था और कितना इनफर्टाइल है या डेडिंग सेल गया है। तो उसमें से लगभग अगर मुर्गी का अगर ब्रीड है तो लगभग 6-7% से 10% से 15% तक इनफर्टिलिटी जा सकता है डेडिंग सेल मिला करके, और रेस्ट अंडा को हम लोग हैचर में ट्रांसफर करते हैं, जो हैचर हम आपको दिखाते हैं। आइए, तो यहाँ जितने भी मशीन है ये सब में सर, ये सारा में एक लोड है, एक आप लोड देख सकते हैं, जिस भी मशीन में चेक कीजिएगा उसमें आपको अंडा दिखेगा, यहाँ डक का अंडा लोड है। अच्छा, हाँ, अलग अलग मतलब वहाँ पे आपको ब्रीड? हाँ, सोनाली जी। हाँ, एक मशीन में हम 2 ब्रीड लोड नहीं करते हैं। अच्छा, हर एक मशीन में अलग अलग ब्रीड का, और एक साथ अगर आपको करना है तो एक ही ब्रीड का आप अंडा लोड करें, वैसे में अच्छा रहता है, क्योंकि एक फार्म से उसका आता है अंडा ना, 2 farms का अंडा एक साथ लोड करने में थोड़ा सा हैचेबिलिटी में प्रॉब्लम आता जी जी। आइए, अभी हम आएंगे हैचर रूम में। हैचर रूम में आप देखिए, ये हमारा 3 hatches लगा हुआ है, हम एक बार में यहाँ 30,000 बच्चा हैच कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ टोटल सेटिंग कैपेसिटी 4,50,000 का है मंथली, और हम लोग वीकली लगभग 1,10,000-20,000 अंडा लोड कर देते हैं। तो नीचे में 4 और ऊपर में 3 hatches है, और हमारे पास टोटल 20 single setters जी जी। आइए आइए, हम आपको दिखाते हैं कुछ चिक्स हैच हो रहा है अभी लाइव, तो आपको वो अनुभव होगा देख करके कि कैसे चिक्स, कैसे वो सेटिंग ट्रे से हैचिंग ट्रे में ट्रांसफर होता है और चिक्स हैच होता है।
आप थोड़ा नजदीक आके देखेंगे इधर, अब देखिए इसमें चिक्स हैच हो रहा है। दिख रहा है ये, इसमें सब में चिक है, हाँ, हैच सब में है। सब में देखिए इधर देखिए ये डबल एफजी ब्रीड हैच हो रहा है अभी। जी तो ये अभी जैसे हैच हो गया ऐसा, तो कितना दिन इस मशीन के अंदर ये ना रहेगा? अभी हैच चल रहा है। अच्छा हैच चल रहा है। हाँ हाँ, तो अभी क्या होता है कि बच्चा जब तक रेडी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसको पुल नहीं करते हैं मशीन से। तो बच्चा अभी रेडी हो जाएगा, लगभग और 2-3 घंटा लगेगा तब हम उसको पुल करेंगे। ठीक है, फिर हैचर रूम के बाद हमारे पास पुल आउट रूम होता है। पुल आउट रूम वो पूरा चिक्स का ट्रॉली को हम पुल करते हैं। यहाँ पे पुल करने के बाद यहाँ पे जितना ट्रे ट्रॉली वॉशिंग के लिए इधर जाता है, जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट डाल के इस वाटर कंटेनर में हम लोग उसको धोते हैं और चिक्स को पैक करके आगे चिक्स रूम में भेजते हैं। जी तो आगे चलिए दिखाते हैं चिक्स रूम। तो यहाँ पे एसी कूलर भी लगा हुआ है। कूलर इसलिए लगा रहता है क्योंकि बच्चा को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं हो माहौल, तो अच्छा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रूम का चाहिए चिक्स को लाइव रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। जी। तो यहाँ हम दिखाएंगे आपको, अभी हमारा सुबह में डकलिंग्स हैच हुआ है। जैसा सुबह में आप नीचे देखे सोनाली हैच, अभी मशीन में डबल एफजी चल रहा है और डकलिंग्स इधर हैच हो गया। तो इस तरह सारा बैकयार्ड ब्रीड्स ये देखिए। तो ये डकलिंग है जो इंडियन रनर ब्रीड है जो हैच हुआ है और बहुत बहुत फुर्ती में है, ये बहुत हेल्दी बच्चा है। जी जी, तो सारे बॉक्स में आप देख सकते हैं सब इंडियन रनर ब्रीड है। ये इंडियन रनर का ब्रीड लगभग 38 ग्राम एवरेज वेट का रहता है। जी 38-40 ग्राम इन एन एवरेज। जी तो ये हैचिंग किया हुआ फिर ये मार्केट में जाता है और सेल आउट होता है। जी इससे क्या हो सकता है, किसान अगर कोई सोनाली पाल रहा है या डबल एफजी पाल रहा है या बत्तख पाल रहा है, सबका अपना बाजार है। तो क्या होता है कि अगर कोई बत्तख डक फार्मिंग कर रहा है, अगर किसी के पास फ्री रेंज एरिया है, तो फ्री रेंज में डक फार्मिंग में क्या होता है ना कि फीडिंग कॉस्ट बहुत कम रहता है। बत्तख आपको शुरू में 15-20 दिन ही फीडिंग कराना है ज्यादा, उसके बाद जब वो अपना फ्री रेंज में जाने लगेगा तो बत्तख लगभग 60-70% फीडिंग खुद कर लेता है। अगर ऐसे में अगर आप बत्तख पालते हैं तो आपका बत्तख कब रेडी होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कॉस्ट भी बहुत कम जाएगा। और बाजार में अगर आप मार्केट में देखेंगे, अगर आप खुद बेच रहे हैं तो 300 रुपीज इजिली आप बत्तख बेच सकते हैं। अगर आप व्यापारी को दे रहे हैं तब 220-230 रुपया बत्तख का लगता है। पर किलो के हिसाब से होता है कि पर बत्तख के हिसाब से? देखिए बत्तख मोस्टली पीस पे जाता है और मुर्गी किलो पे जाता है। जी। कभी कभी होता है कि बत्तख खाली व्यापारी उठा के देख लेता है कि 1 किलो से ऊपर है कि नहीं है, कि 1 किलो का नीचे का है वैसा रेट लगता है। तो वैसे में किसान को बहुत अच्छा, किसी का खेती है धान का खेती गेहूं का खेती, बत्तख लेके 1-2 हजार छोड़ दिए, इजिली वो खेत में चर के उससे धान गेहूं का भी फसल अच्छा होगा और बत्तख भी सही रहेगा। किसी के पास तालाब है मछली पालन कर रहा है, लोग को ये डर रहता है कि मेरा बत्तख मेरा मछली खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बत्तख जितना तालाब में उतरेगा उतना ऑक्सीजन जनरेट करेगा, वो किसान को कोई ऑक्सीजन जनरेट करने का इक्विपमेंट्स लगाने का जरूरत नहीं है। जितना बत्तख चलेगा पानी में उतना ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट होगा और मछली अच्छा बढ़ेगा, तो वो दोनों इंटीग्रेशन फार्मिंग लोग कर सकता है। तो एक किसान की बात करते हैं सर, अगर किसान आपसे जुड़ता है जी और मान लीजिए बत्तख की बात करें, बत्तख फार्मिंग करना चाहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए चूजा आपसे परचेस करता है तो क्या कॉस्टिंग पे उनको मिलता होगा सर? सर देखिए अभी एट प्रेजेंट अगर आप बात करें सितंबर अक्टूबर का, तो बत्तख इन एन एवरेज 35-36 रुपए का बिक रहा है। जी ठीक है ना, और किसान इसको ले जाता है तो हमारे यहाँ से सपोर्ट जो होता है वो, एक तो किसान को टेक्निकल सपोर्ट जो कि बत्तख पालने में जो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, और हम लोग भी कुछ डॉक्टर्स से एसोसिएटेड हैं, उनसे कर करके हम लोग सीख चुके हैं। और क्योंकि डॉक्टर्स हर जगह पे जा करके किसान को नहीं बता सकते हैं, लिमिटेशन है उनका, चाहे वो उतना किसान तक रीच भी होना पड़ेगा, पर हम लोग का टीम जितना किसान तक पहुंचा हुआ है उनका मैसेज को उस किसान तक कन्वे करके उसको एक सक्सेसफुल फार्मिंग करने में हेल्प करता है। ये एक चीज हो गया। जब उसका प्रोडक्शन रेडी हो जाता है तो आइदर कोई अगर अंडे के लिए कर रहा है या मीट पर्पस के लिए कर रहा है, तो हमारे से चूंकि हम लोग लास्ट 3-4 इयर्स 5 इयर्स से काम कर रहे हैं तो बहुत सारे व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, तो हम उस व्यापारी और उस किसान का लिंकेज करा देते हैं और हम लोग बीच से हट जाते हैं ताकि जो बचे वो किसान को बचे।
कोई बिचौलिया का काम यहाँ नहीं रह जाता है। दूसरा, अगर अंडा कर रहा है बत्तख का, अगर खास करके झारखंड में कर रहा है या बिहार में कर रहा है या झारखंड से नियर बाई स्टेट्स में कर रहा है जहाँ से अंडा आना बहुत ईजी है, तो हम लोग का यहाँ पे मंथली लगभग 1.5 से 2 लाख बत्तख का लोडिंग हम लोग करने का टारगेट रहता है। तो उतना अंडा प्रोक्रूटमेंट का मेरा खुद का कंजप्शन है, प्लस अलग मार्केट में अलग है जो हमसे अंडा पूछता है। तो कोई भी एक फार्मिंग करे तो उसका मार्केट भी हम लिंकेज करा देंगे, मीट के लिए करे तो मीट का भी लिंकेज हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीट इन एंड आउट सॉल्यूशन हम उनको दे सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि आप फार्मिंग कर सकते हैं बैकयार्ड ब्रीड्स का, जैसे सोनाली, डबल एफ जी, डक, बटेर, कड़कनाथ, ये सारा यहाँ उपलब्ध है, आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी किसान के मन में ये है कि मैं भी ये चिक्स हैचिंग का अनुभव करूं, तो हम लोग रांची में ही गरिमा इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से छोटा छोटा हैचिंग मशीन डेवलप करते हैं, जैसे 100 अंडा का, 200 अंडा का, 300 अंडा का, 500 अंडा का, 1000 अंडा का। ये बहुत इजीली सोलर पैनल के माध्यम से या जो गांव में आपका बिजली उपलब्ध है उसके माध्यम से, बैटरी इन्वर्टर के माध्यम से, आप अपने गांव के कितने भी इंटीरियर एरिया में जा करके उससे हैचिंग का अनुभव ले सकते हैं। और जो देसी मुर्गी का पालन करके जो गांव देहात में महिला है, बुजुर्ग है, जो कुछ रोजगार या उससे कुछ आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, उससे एक बहुत अच्छा आय अर्जित करके अपना रोजगार चला सकते हैं घर बैठे, किसी को पलायन का जरूरत नहीं होगा। वो मशीन जैसे हम आपको अभी दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसा अलग अलग मशीन है कैपेसिटी का, मैं उसका कुछ रेट आपको बता देता हूँ। जैसे कोई किसान अगर शुरू करना चाहता है तो 112 अंडा कैपेसिटी का मशीन है जो 26,500 में मिलता है, 200 कैपेसिटी का है जो 36,500 में मिलता है, 300 का है जो 45,000 में मिलता है, 500 का है जो 59,000 में मिलता है, और 1,000 का है जो 88,000 में मिलता है। ये मशीन इंक्लूडिंग GST है, इसमें कुछ अलग से चार्ज नहीं लगेगा आपको, आपके यहाँ पे बस बिजली जाने पे जो बैटरी इन्वर्टर का व्यवस्था करना पड़ेगा या सोलर पैनल का। और आप ये सेम जो सेटअप देख रहे हैं, ये ऐसा व्यापार है कि आप बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ा तक जा सकते हैं और महीना में अपने प्रोडक्शन के हिसाब से लाख रुपया कमा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा किसान जो आपकी तरह, मतलब जैसा कि आपने उद्योग लगाया, इस तरह छोटा उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो आपके जो वो मशीन है वो सब परचेस करके इस तरह कर सकते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि मैं 10 अंडा से शुरू किया था जी, केवल 10 अंडा का मैं एक छोटा सेटअप बनाया था खुद और उससे मैं स्टार्ट किया था। और आप जो ये देख रहे हैं ये 5 साल का नतीजा है जो 10 अंडा से आज 4,50,000 अंडा तक पहुंचा है जी। और मुझे जानने वाले सभी लोग ये चीज जान रहे हैं कि हमारा क्या जर्नी रहा है। तो कोई भी, मैं विश्वास रखता हूं कि अगर मन लगा करके फोकस करके इस व्यापार को करे तो ग्रोथ निश्चित है। तो ये हो गया बात सर कि जो लोग हैं आपसे मशीन भी परचेस कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। वैसे लोग जो मशीन परचेस नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि आपने जो ये सब चूजा हैचिंग किया वो परचेस करना चाहते हैं, तो आप मतलब कितना चूजा तक आप देते हैं कि एक छोटे स्तर पे किस लेवल पे वो स्टार्ट कर सकते हैं? सर देखिए, चूंकि मैं खुद बहुत छोटे स्तर से शुरू किया हूँ तो हम लोग किसी को भी इंटरटेन करते हैं। एटलीस्ट अगर कोई एक बॉक्स भी लेने आएगा जिसमें 50 चूजा रहता है तो वो भी वो हमसे खरीद सकता है, और जो 5,000 खरीद रहा है वो भी हमसे खरीद सकता है। तो हम इक्वली ट्रीट करते हैं अपने सारे कस्टमर को, तो इस तरह से लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 हजार जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे अगर जैसा कि मैं बताया कि किसी किसान के पास अगर फ्री रेंज बैकयार्ड अपना अच्छा है जहाँ पे उनको फीडिंग कम कराना पड़ेगा, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि 100 रुपया मार्जिन एक बत्तख में उनको जरूर मिलेगा जी। 100 रुपया अगर उनको मार्जिन मिल रहा है और अगर वो 100 बत्तख कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 10,000 का काम वो कर लिए जी, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी उनको 5,000 भी फायदा होगा जी, कभी उनको 8,000 भी होगा, लेकिन कोई किसान नुकसान नहीं करेगा। और इसको बढ़ने में कितना टाइम लगता होगा? तो नॉर्मली बत्तख जो है ना वो 2.5 से 3 महीना लेके चलिए मार्केट पकड़ने में उसको समय लग जाता है जी। अगर हम फ्री रेंज में रख रहे हैं तो 3-3.5 महीना लग जाता है 801 किलो का वजन लेने में जी। जी सोनाली का भी लमसम वही रेंज है, 2.5 से 3 महीना उसको भी लग जाता है। और सोनाली और ये सब ब्रीड में हम लोग सर 50 से 70 रुपया का मार्जिन आराम से कमा लेते हैं, 60 रुपया कभी 50 कभी 40, बाजार कम रहा 200 के अंदर रहा तो 30-40 कमाए, 200 से ऊपर रहा तो 60-70 भी कमा लेते हैं। तो इस तरह से 1,000-2,000 अगर कोई पाल रहा है तो आप अनुमान कर सकते हैं कि वो किस तरह का मार्जिन कमाएगा जी। तो हम चाहेंगे सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 7092722114 है। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा
कि बहुत किसान फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रॉफिट चाहता है या आप कैलकुलेट करता है मार्जिन को, लेकिन आप उसको ना करके आप कम से कम 6 मंथ में हाफ ईयरली या ईयरली कैलकुलेट करिए कि हम 1 साल में 4 बैच डालें और सबको मिला के हमको क्या प्रॉफिट नुकसान हुआ, तो आपको समझ में आएगा और ये सोच के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कभी कभी आप ऑफ सीजन में प्रोडक्शन हाई कर देते हैं तो रेट गिर जाता है, कभी हाई सीजन में प्रोडक्शन आपका लो रहता है तो आपका आप ज्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते, तो आपको सोच समझ के इसको करना है और जानकारी लेना है जानकारों से कि किस समय सही करना ठीक रहेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के, थैंक यू। जब मधु राव जी के यहाँ कोंगे जयपुर बस्ती कांके रोड रांची में गरिमा इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म का मशीन लगा है 500 कैपेसिटी का, और ये आप देख सकते हैं ये गरिमा इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म का गरिमा इंक्यूबेटर कम है सर, और इसमें आप देख सकते हैं ये हैचिबिलिटी कितना बच्चा हैच हुआ है पूरा। अभी हम इसको काउंट करेंगे और काउंट करके फिर बताएंगे कि इसमें हम लोग कितना अंडा लोड किए थे और कितना बच्चा टोटल निकला है। उस मशीन से निकले बच्चे को रखने के लिए दीदी ब्रूडर का निर्माण कर रही है। इस ब्रूडर के निर्माण में नीचे धान का भूसी या लकड़ी का कुन्नी डाला जाता है और उसके ऊपर से पेपर बिछाया जाता है जो कि 3 दिन तक पेपर पे बच्चा रहता है, और ये रोज़ ये पेपर इसके ऊपर नया डलेगा, रोज़ सुबह में नया पेपर डलेगा 3 दिन तक, और 4th दिन पेपर को हटा दिया जाता है। और ये जैसे पेपर बिछ जाएगा हम लोग चूज़ा को लाके इस पर डालेंगे। अब ये बच्चा यहाँ से कलेक्शन हो करके सारा मशीन से और अब ब्रूडिंग रूम में जाएगा, वहाँ जा करके हम लोग इस चूज़े को गिनती करेंगे कि कितना चूज़ा हैच हुआ है। मधु जी कितना अंडा डाले थे? 480, ठीक है 480 अंडा, हाँ 480 अंडा डाला था। अब हम लोग जब इसको ब्रूडर में डालेंगे तो काउंट करेंगे। हाँ दीदी, अब आप बच्चा गिनती करके डालिए और जल्दी जल्दी डालिएगा। हाँ गिनती करिए, फटाफट करना है, जल्दी नहीं करना। तो हम यहाँ बच्चा डाल चुके हैं सारा। दीदी आपका क्या नाम है बताइए? अंजू देवी। इस मशीन में आप कितना अंडा डाले थे? 480। कुछ फूटा भी था डालते समय? एक 479। और बच्चा कितना निकला जल्दी बताइए? 447। ठीक है चलिए, तो मतलब हम लोग का 93.5% निकला है, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे 93.5% बच्चा निकला है जो कि बहुत ही मतलब कि अविश्वसनीय रिजल्ट है। नॉर्मली 80-85% निकलता है लेकिन यहाँ 93% का हैच हुआ है। तो दीदी अब इसको हम लोग गुड़ और हल्दी पानी मिला करके देंगे और सूजी दे दीजिए अभी, और कल से इसको हम लोग फीड दे देंगे, ठीक है ना? कल से या परसों से, 2 दिन तक सूजी पे रहेगा ये, ठीक है दीदी।